आज से 5 दिन पहले हमने कांसर का जो यूपीएससी वाला कोर्स है उसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाई थी, लेकिन उसके बाद भी एस्पिरेंट्स के कुछ कमेंट्स आए, कुछ डाउट आए, जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बताने वाले हैं। और कुछ 10 डाउट्स हैं जिनको क्यू एन ए कह सकते हैं, यानी क्वेश्चन और उनके आंसर्स। तो वीडियो को ध्यान से देखना, आपका कोई भी डाउट हो सकता है और वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजेंद्र सिंह, वेलकम टू केजे मिशन। अगर आप चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और पार्ट वन जो कांसर वाले कोर्स की उसको इस वीडियो के बाद में देख लेना, ठीक है। तो पहला जो डाउट है वो है कि सर ये कोर्स लैपटॉप में क्यों नहीं चल रहा है, केवल मोबाइल के लिए क्यों है। तो देखो, कांसर का सीधा सा लॉजिक है कि उन्होंने अपने कोर्स को उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जो काफ़ी पुअर फैमिली से हैं, जिनके पास काफ़ी कम पैसा होता है। तो जिनके पास काफ़ी कम पैसा है तो उनके पास लैपटॉप कहाँ से आया, तो वो मोबाइल से ही स्टडी करके अपना मतलब आईएएस बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। तो आप अगर कांसर के कोर्स को लेना चाहते हैं तो आपकी ये रिक्वायरमेंट है कि हम उनके कोर्स को लैपटॉप पे भी चला लें। तो जिसके लिए आप उनकी एक वेबसाइट होनी चाहिए। तो कांसर की वेबसाइट नहीं है, उनका एप्लीकेशन है। तो उनका मेन मकसद यही है कि जो पुअर स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे पढ़ाएं, तो वो उनके पास ज़्यादातर मोबाइल ही होता है, तो उन्होंने खासतौर से मोबाइल के लिए बनाया है। वेबसाइट कुछ है नहीं, तो वेबसाइट का सर्वर है नहीं, तो आपको भी पढ़ना है तो मोबाइल से ही पढ़ना होगा। दूसरा जो डाउट है कि उनका इंग्लिश में कोर्स आएगा नहीं। इंग्लिश बोलते हैं हिंदी और प्लस इंग्लिश, यानी दोनों तरीके की लैंग्वेज जिसमें इस्तेमाल होती है उसको इंग्लिश बोलते हैं, और या दूसरी लैंग्वेज उसको बायलिंगुअल बोलते हैं, दोनों लैंग्वेज का मिक्सअप। तो उन्होंने बोला है कि इंग्लिश का लिए भी कोर्स आने वाला है, हालांकि उन्होंने हिंदी और इंग्लिश दोनों को लॉन्च किया है, अब इंग्लिश भी आने ही वाला है, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ है कि अगर बाई चांस मैंने इंग्लिश का कोर्स ले लिया है तो मुझे हिंदी में शिफ्ट होना है, या हिंदी का कोर्स ले लिया है तो इंग्लिश पर शिफ्ट होना है, तो मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। तो खान सर ने इस चीज़ को खुद बोला है कि आप कोर्स को चेंज कर सकते हो कुछ टाइम बाद, क्योंकि उनके सर्वर पर अभी काफ़ी ज़्यादा लोड आ रहा है, तो इस वजह से उनका सर्वर क्रैश हो जाता है। उन्होंने खुद बोला इस चीज़ को कि जैसे ही सर्वर का लोड थोड़ा कम होगा तो जिस भी मीडियम में आप चेंज कराना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन सोच समझ के अपना कोर्स परचेस करना। कुल मिला के बात यह है, क्योंकि हिंदी मीडियम का 7,500 का है और इंग्लिश मीडियम का 10,000 का है, बायलिंगुअल भी आने वाला है इंग्लिश वाला जो कोर्स है। नेक्स्ट है कि उनका कोर्स कब से स्टार्ट होने वाला है। तो पहले उनका जो कोर्स है 13 तारीख से स्टार्ट होने वाला था, 13 दिसंबर से, फिर 19 पे डेट आई, 19 को भी ठीक ठाक मतलब स्टार्ट नहीं हुआ है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि उनका सर्वर क्रैश कर रहा है, क्योंकि स्टूडेंट काफ़ी स्टूडेंट आ रहे हैं और उनका सर्वर इतना लोड नहीं ले पा रहा है। जल्दी ही वो कोर्स को स्टार्ट करेंगे, अच्छे तरीके से सारे टीचर्स पढ़ाने के लिए आएंगे, थोड़ा पेशेंस रखो क्योंकि टाइम लगता है ऐसी सारी चीज़ों में, टेक्निकल चीज़ों में टाइम लगता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अमेरिका वगैरह से ऑपरेट होती हैं। नेक्स्ट चीज़ है कि 2023 के लिए इनका कोर्स है या नहीं। 2023 के लिए इनका कोर्स नहीं है, क्योंकि जो इनका कोर्स है अभी से स्टार्ट होगा, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो आपके 10 महीने की है, जो 12 महीने भी हो सकती है, और इंग्लिश मीडियम वाले की तो 12 महीने है ही है, और वैलिडिटी 1.5 साल की है। तो कुल मिला के 2023 के लिए इनका कोर्स नहीं है, ये 2024 के लिए आपका कोर्स बेनिफिशियल होगा। तो 2023 के लिए देख रहे हैं तो आप और किसी भी कोचिंग को देख सकते हो। आपका टारगेटिंग ईयर 23 है, थोड़ी सी प्रिपरेशन आपने पहले से कर रखी है, तो आप फिजिक्स वाला को भी देख सकते हो, वो भी काफ़ी ठीक ठाक है, और अदरवाइज 24 के लिए टारगेट कर रहे हो तो कांसर के लिए आप जा सकते हो। तो यूपीएससी वाला ने 23 और 24 के लिए अपने कोर्स लॉन्च करे हैं, जिनका नाम है प्रहार, संकल्प और टाइटन। इसके साथ ही आपके फायदे की चीज़ बताते हैं, अगर आप हमारे चैनल के कोड KGM को यूज़ करते हो तो आपके इंस्टेंट 500 रुपये कम हो जाएंगे, यानी जो कोर्स आपका 7,000 का 6,500 का मिलेगा, जो 10,000 का वो 9,500 का मिलेगा। तो आप आराम से देख सकते हो, फी काफ़ी कम है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, तो यू कैन वॉच इट। नेक्स्ट जो चीज़ है वो आपका इसके इनके कोर्स को किस तरीके से खरीदें, कैसे परचेस करें। तो परचेस करने का सिंपल सा तरीका है, खान सर ऑफिशियल इस तरीके से उनका एप्लीकेशन आएगा, उसको डाउनलोड कर सकते हो, उसमें लॉग इन जैसे करोगे तो परचेस करने का ऑप्शन आएगा। लाइव कोर्सेज पे जाके आराम से यूपीएससी के सेक्शन को, हिंदी हो, इंग्लिश हो, इंग्लिश हो, उस पे जाके सेलेक्ट करके आराम से परचेस कर सकते हो, बहुत सिंपल तरीका है, लेकिन होगा उनके एप्लीकेशन से। अगर आपको वीडियो अभी तक पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आगे आपको मिलती रहें। नेक्स्ट चीज़ है कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट अगर किसी कोर्स को ले लिए हैं और उनको नोट्स इंग्लिश में चाहिए, या इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनको जो नोट्स हैं वो हिंदी में चाहिए, तो ऐसा हो सकता है या नहीं। तो ऐसा तो नहीं होगा, आपने जो कोर्स लिया उसी का आपको नोट्स मिलेगा, हिंदी का लिया तो हिंदी का, इंग्लिश का लिया तो इंग्लिश का, इंग्लिश का लिया तो इंग्लिश का। आप इस चीज़ को ऐसा कर सकते हो, जैसे बाई चांस आप दो दोस्त हो, एक ए एक बी, अगर आपने हिंदी का कोर्स ले लिया है तो हिंदी का नोट्स मिलेंगे, इंग्लिश का नोट्स ले लिया, इंग्लिश का कोर्स ले लिया तो इंग्लिश के मिलेंगे, तो आप एक दूसरे से नोट्स को एक्सचेंज कर सकते हो, ऐसे तो हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पढ़ किसी हिंदी में रहे हो इंग्लिश का नोट्स मिल जाए, इंग्लिश में पढ़ रहे हो हिंदी का मिल जाए, ऐसे नहीं होने वाले। नेक्स्ट डाउट ये था कि मैं अपने लिए कौन सा मीडियम चुनूं, मैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है हिंदी लूं या इंग्लिश लूं। तो आप सबके लिए सिंपल सा हमारा एक आंसर है। देखो, आपका टारगेटिंग ईयर 2024 या 25 या 26 है, तो आपको हम रिकमेंड करेंगे आप इंग्लिश ही लो, ठीक है। और थोड़ी सी अगर आपकी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम आ रही है
तो आप उस पर थोड़ा सा 2-3 महीने काम करो, 2-3 महीने काम करो, 2-3 महीने प्रैक्टिस करोगे तो 5-6 महीने में आपकी इंग्लिश लेवल में आ जाएगी, आप आराम से पढ़ सकते हो। क्योंकि इंग्लिश मीडियम का रिजल्ट थोड़ा सा बेहतर तो जाता है हिंदी मीडियम की तुलना में, उसके काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, अपने वीडियोज़ में हम बता भी चुके हैं पहले। बात लेकिन ये आती है कि नहीं मेरी हिंदी बढ़िया है, इंग्लिश बिल्कुल पुअर है, तो आप हिंदी ही लो। अगर आपकी इंग्लिश बिल्कुल बेकार है तो बिल्कुल मत लेना, फ्लो में आके मत लेना। हिंदी पर अच्छी कमांड है, हिंदी अच्छी है तो हिंदी ही लो। हिंदी का रिजल्ट भी आप कुछ चीज़ों को इम्प्रूव करके अच्छा ला सकते हो, अच्छा कर सकते हो हिंदी मीडियम का रिजल्ट भी, ठीक है? ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप हमारी रिकमेंडेशन मांगोगे तो हमारी यही है, अगर आपके पास में 2-3 साल, 2-3-4-5 साल हैं तो इंग्लिश मीडियम के कोर्स को ले सकते हो। अगर आपको 1-2 साल में करना हो, हिंदी पर अच्छी कमांड है, तो आप हिंदी मीडियम के कोर्स को लो। सिंपल सा आंसर है, लेकिन इस चीज़ पर थोड़ा सा सोच समझ के ही विचार करना, ठीक है? नेक्स्ट है कि नोट्स कौन सा बेहतर रहेगा। तो नोट्स का क्या है कि जो भी खान सर जिस टॉपिक को पढ़ाएंगे या जो भी उनके टीचर्स पढ़ाएंगे वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा उनके यहाँ से। अगर आप जो यूपीएससी के जो पॉपुलर कोचिंग है उनमें से किसी अच्छी कोचिंग का नोट्स चाहते हो तो वो है आपका विजन आईएएस का नोट्स, हिंदी मीडियम के लिए भी, इंग्लिश मीडियम के लिए भी। और आपको अगर उसको परचेस करना है तो परचेस करने का ऑथेंटिक लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप आराम से वहाँ से परचेस कर सकते हो। उसका जो प्राइस है करीब 5,500 रुपये है, लेकिन नोट्स बहुत शानदार है। आप विजन आईएएस के नोट्स की हेल्प लेके और खान सर का जो कोर्स है उनका जो नोट्स है उसको थोड़ा सा कंबाइन करके उनके वीडियोस की हेल्प लेकर आराम से अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकते हो। लेकिन अगर ज़्यादा भंवर में नहीं फंसना चाहते हो तो आप खान सर की क्लासेस करो, जो भी उनके मतलब कोर्स में मिल रही हैं उनके ही नोट्स को पढ़ो, इतना आपके लिए इनफ होगा। लेकिन फिर भी कोई नोट्स लेना चाहते हो तो आप विजन आईएएस के नोट्स को ले सकते हो, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो ये थे वो 10 डाउट्स जिनके बारे में स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, तो हमने सोचा इसके बारे में एक प्रॉपर वीडियो बना दें। अगर आपको उनके कोर्स के बारे में और डिटेल में वीडियो चाहिए, जो हमारे चैनल का पार्ट 1 था, तो लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके आप उनके कोर्स के खान सर कोर्स को डिटेल में उनके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, और राइट वाली वीडियो क्लिक करके हमारे चैनल के और सारे रिव्यूज़, कोचिंग के रिव्यूज़ हैं उन सबको देख सकते हो, नोट्स रिव्यूज़ को देख सकते हो। इसके साथ ही इस वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।